पर जिस संसद में पक्ष विपक्ष एक होकर विश्वास के साथ खड़े होते आए हैं, वहां अभी सत्ता और विपक्ष के बीच अविश्वास सबसे ज्यादा बढ़ गया है। मॉनसून सत्र में अब तक हंगामा हुआ है, एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर संसद में चर्चा के साथ में साथ देने की मांग हुई है। आज राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए, आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। जब मैं बोल रहा हूँ, मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है, प्रिविलेज है, मेरा अपमान हुआ है, अपमान हुआ है। सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साथ डेमोक्रेसी नहीं है। संसद में हंगामा, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का कारनामा, चर्चा सब चाहते हैं, करता कोई नहीं। चाहते सब काम है लेकिन होता संग्राम। बीस जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन ऐसा चल रहा है कि कहीं पहुंच नहीं पा रहा। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूँ मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। राहुल गांधी जब सांसद थे तो भी लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाते थे कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यसभा के सभापति पर आरोप मढ़ दिया कि बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक बंद कर दिया जाता है। अब उसका प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आपने, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। मणिपुर के मुद्दे पर पिछले छह दिनों से संसद में गतिरोध जारी है, कामकाज ठप है, सदन में सिर्फ हल्ला हंगामा है और फिर कुछ देर बाद कार्यवाही रोक दी जाती है। बोलने का जितना भी समय मिलता है उसी में प्रतिपक्ष के नेता खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, ऐसा आरोप लगा है। तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूँ मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसका प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आपने, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साथ डेमोक्रेसी नहीं है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। खड़गे का सीधा आरोप है कि सरकार के इशारे पर उनका माइक बंद कर दिया गया। यदि सरकार ही सदन चलाएगी तो फिर लोकतंत्र कैसा? आज तक ब्यूरो।